तो हेलो गाइस, आप देख रहे हैं टेक जूनियर यूट्यूब चैनल और आज पर हम लोग बात करने वाले आरटीएक्स 3000 सीरीज के बारे में, क्योंकि जो आरटीएक्स 3000 सीरीज है अब वो नहीं आने वाली है। तो मैं सिर्फ अपने ओपिनियन से ये बता रहा हूँ, मैंने कहीं पे लीक्स एंड रूमर्स वगैरह कुछ नहीं आए हैं। मैं सिर्फ अपने ओपिनियन से बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो आरटीएक्स 3000 सीरीज वो क्यों नहीं आ सकती है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें नोटिस करने वाली हैं, क्योंकि जो आरटीएक्स 3000 सीरीज है उसके बारे में अभी कुछ कन्फर्मेशन इतनी ज़्यादा नहीं आई है। सिर्फ उसकी स्पेक्स वगैरह थोड़े बहुत लीक हुए हैं, जो लगभग 3090 है वो भी कंफर्म हो चुका है, और उसकी प्राइसिंग भी है वो भी 2000 डॉलर्स वगैरह बताई जा रही है। जितनी भी चीज़ें हैं बिल्कुल सही जा रही हैं, लेकिन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ नेमिंग स्कीम की। तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि जो एनवीडिया है उनने अपनी जो लीकर्स हैं उनको गलत साबित करने के लिए अपनी नेमिंग स्कीम जो है वो चेंज कर दी है। तो जैसा कि आपने पिछली बार देखा होगा कि जो GTX वाले जो 10 सीरीज वाले कार्ड थे उसके बाद डायरेक्ट जो एनवीडिया है वो 20 सीरीज पर जंप कर गया था, और जो RTX कार्ड आए थे वो आपके ट्रायल वर्जन वाले RTX कार्ड से। अब जो आपकी ये 3000 सीरीज जो इसको अभी कहा जा रहा है, तो आपकी ये वाली जो 3000 सीरीज है काफ़ी आपको एडवांस और काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन कार्ड देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि इनमें RTX परफॉर्मेंस आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको जो मेन परफॉर्मेंस है आपकी वो भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलने वाली है, और जितने भी एनवीडिया के ट्विटर हैंडल है और वगैरह वगैरह यूट्यूब पर भी शायद आपको जो एनवीडिया है उनने एक वीडियो पोस्ट की सुपरनोवा एक्सप्लोजन वाली। तो जो सुपरनोवा एक्सप्लोजन है वो भी काफ़ी बड़ा इवेंट है, तो ये वाले जो कार्ड्स हैं काफ़ी बड़े आपको इवेंट ये देखने को मिल सकता है। तो ये वाली जो सारी चीज़ें हैं, और जो एनवीडिया है उनको लगभग 21 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं अपने GPU मार्केट में, और जो एनवीडिया है उनने अपनी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर भी 21 डेज का काउंटडाउन लगाया था, और जो एनवीडिया है वो डायरेक्ट 10 सीरीज से 20 सीरीज पर जंप कर गए। जो 20 सीरीज आई थी वो उनकी ट्रायल वर्जन थी RTX कार्ड्स की, और जो आपकी जो अब नेक्स्ट जनरेशन आएगी वो RTX कार्ड बिल्कुल एडवांस वाले आपको RTX कार्ड देखने को मिलने वाले हैं। तो वहाँ पे अगर अपन बात करें तो यहाँ पे जो नेमिंग स्कीम है वो चेंज हो सकती है शायद, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है लीकर्स को गलत साबित करने के लिए एनवीडिया ने जो है वो अपनी नेमिंग स्कीम जो है वो चेंज की है। तो यहाँ पे भी शायद एक बार फिर से ऐसा हो सकता है, जो नेमिंग स्कीम है वो चेंज हो सकती है। तो कहीं से मेरे को लीक्स एंड रूमर्स वगैरह कुछ नहीं मिले, मैं अपने ओपिनियन से ये चीज बता रहा हूं, क्योंकि जितनी भी चीजें देखने को मिल रही हैं तो मेरे हिसाब से तो मेरे को लगता है कि जो नेमिंग स्कीम है वो चेंज होके 20 या 21 होने वाली है, या फिर आपको 3000 सीरीज मेरे को शायद देखने को मिलेगी या शायद नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन मैं अपने ओपिनियन से ये बताना चाहता हूं कि शायद 20 के बाद शायद 21 हो जाए नेमिंग स्कीम। तो आई होप गाइस कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में, आपका क्या ओपिनियन है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप जाके मेरा चैनल चेक करें, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय गाइस।